कहते हैं सीजनल हर सब्जी खानी चाहिए। आज फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ बाजरा मेथी का पराठा। बाजरा जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है, जिसको खाने से हमारी बॉडी में गर्माहट आती है, और मेथी जिसमें बहुत आयरन होता है जो हमें बहुत बेनिफिट देता है। तो आज हम बनाएंगे बाजरा मेथी का पराठा, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे पराठा आपका बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट बनेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। बाजरा मेथी के परांठे के लिए फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ 1.5 कटोरी बाजरे का आटा। बाजरे की तासीर गर्म होती है तो ये सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। अब सिंपल बाजरे के आटे से फ्रेंड्स रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप गेहूं का आटा। साथ ही इसमें मैं डालूंगी बहुत ही खस्तापन देने के लिए बेसन, ये जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी, ये मैंने 1 कटोरी मेथी ली है, पहले इसको अच्छे से धो लिया था, फिर इसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया। जितना बारीक आप डालेंगे उतना हर बाइट में हमारे मेथी आएगी। सर्दियों में फ्रेंड्स कहते हैं ना सीजनल हर चीज खानी चाहिए, और बिलीव मी ये परांठे बनाकर देखिएगा, आपके बच्चे भी जरूर मांगेंगे। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी धनिया चॉप किया हुआ, ये कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये फ्रेंड्स मैंने अदरक और हरी मिर्च को मतलब इकट्ठे ही चॉप कर लिया था, ये डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप प्याज लहसुन डालेंगे तो ये परांठे आप अगले दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। अगर आप बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे तो ये परांठे आप अगले दिन कभी यूज कर सकते हो, ट्रैवलिंग पे भी लेके जा सकते हो, क्योंकि सर्दियां एक दिन तक ये चल जाएंगे। अब सर्दी है, सर्दी को रोकने के लिए हम इसमें डालेंगे सफेद तिल, ये भी हमारी बॉडी को गर्माहट देता है। थोड़ी सी हींग बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। थोड़ी सी फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी ड्राई कसूरी मेथी, ये भी जरूर डालिएगा। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी खूब सारे मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ी सी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। इस तरह से हाथ पे लेके इसको इस तरह से क्रश करेंगे। आपको मालूम है इस तरह से क्रश क्यों करते हैं? इस तरह करने से क्या है, अजवाइन हमारी क्रैकल हो जाती है और इसका फ्लेवर और ज्यादा खिल के आता है इस तरह से। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज मैं बहुत ही बढ़िया डाल रही हूँ परांठों को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, ये है आम के अचार का मसाला, ये ड्राई है। आप चाहें तो मतलब हरी मिर्च का अचार जो बाजार का होता है या घर का होता है, कोई भी थोड़ा सा अचार का जो मसाला है वो भी आप डालें, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब क्योंकि फ्रेंड्स हम बाजरे का मतलब परांठा बना रहे हैं तो ये ड्राई होता है, खाने में सूखा सूखा लगता है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फैट, 2 टेबलस्पून देसी घी, देसी घी ही डालिएगा, ठीक है, रिफाइंड भी डाल सकते हो, लेकिन उससे मतलब ड्राइनेस उसकी दूर नहीं होगी। अब सब बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। जब हम छोटे थे ना फ्रेंड्स, स्पेशली मतलब मैं, तो मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हेल्दी थी ना, तो लगता था हाय छी बाजरे का आटा ही कौन खाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला कि सीजनल हमें हर चीज खानी चाहिए, और बिलीव मी बच्चे भी बिल्कुल नहीं खाते। और एक बारी तो मैंने अपने बेटे को इसी का परांठा दिया और बताया ही नहीं है बाजरे का आटा है इसमें, तो आप अपने बच्चों को खिलाइए बिना बताए, वो जरूर खाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल्के से गर्म पानी के साथ इसका आटा लगाएंगे, क्योंकि आटा जो है बाजरे का थोड़ा सा ड्राई होता है, ठीक है। आटा जो है हमने बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाना और बहुत ज्यादा लूज नहीं लगाना इस तरह से। और एक चीज और बताना चाहूंगी, इसको बहुत देर के लिए हम रेस्ट करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, बाजरे के आटे को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। जैसे नॉर्मल हम आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट करना छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखो आटा हमारा अच्छे से लग चुका है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है, ठीक है। ऊपर से हल्का सा लगा देते हैं देसी घी, आप चाहें तो हल्का सा मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं, ताकि ये ड्राई ना रहे, और इसको रेस्ट करना छोड़ देते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट तक। अब 10 से 15 मिनट हो गए, आटा हमारा सेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से एक बारी फिर मुके लगा लेते हैं ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमारा डो हो गया। अब इसके हम लोइयां बना लेते हैं, यानी कि पेड़े बना लेते हैं, छोटे बड़े अपने हिसाब से इस तरह से। अब पेड़े फ्रेंड्स हमारे बन गए हैं। एक चकली के ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा सूखा आटा, गेहूं का ही आटा लीजिएगा, ठीक है। अगेन आपको थोड़ा सा बेलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बाजरे का आटा है, इसमें बाइंडिंग चाहे जितनी मर्जी दो फिर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। ऊपर से अगेन थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। अब इसको इस तरह से बेलेंगे।
अब इसकी थिकनेस जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पतली नहीं रखनी, क्योंकि जब आप इसको तवे पे डालोगे ना तो ये जब इसको फ्लिप करोगे तो ये टूट जाएगा, और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस मीडियम थिकनेस होनी चाहिए इसकी। ये देखो इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी रखनी है। तवे को अच्छे से पहले हाई फ्लेम पे हम गरम कर लेंगे, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी पराठा, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम हम पकाएंगे जब तक नीचे से हल्का सा ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक इसको टच नहीं करेंगे। जैसे ही पराठा नीचे से कुक हो जाए हम बहुत ही जेंटली इसको फ्लिप करेंगे। साथ ही इसमें मैं लगा रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आप चाहे तो देसी घी भी लगा सकते हो, क्योंकि बाजरे का आटा ना फ्रेंड्स थोड़ा सा ड्राई होता है तो हमें उसको एक फैट देना होता है, तो मैं मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करती हूँ। आपने देखा होगा गांव में विलेजेस में ये लोग जितने भी परांठे बनाते हैं ना ज्यादातर सरसों के तेल में बनाते हैं, आप बनाकर देखिएगा बहुत क्रिस्पी बनते हैं। साथ ही अगेन इसको फ्लिप कर देंगे, दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगाएंगे और बीच बीच में इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। इस टाइम पे फ्रेंड्स गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम टू लो रख देंगे, क्योंकि इस स्टेज पे क्या होगा परांठा हमारा बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगा, और बीच बीच में इस तरह से पलटे को ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे। बिलीव मी ये परांठे खाकर देखिएगा सर्दियों में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही गर्माहट देते हैं। अब ये देखो परांठा हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो चुके, गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। ये देखो कितना टैम्पटिंग लग रहा है ना, तो इसी तरह से हम अपने सारे परांठे बना लेंगे। तो फाइनली रेडी है जी हमारे बाजरे मेथी के परांठे, और इसके ऊपर डाल देते हैं येलो बटर। ये देखो कितने बढ़िया बने, और बिलीव मी बिल्कुल खाने में आपको हार्ड नहीं लगेंगे, ड्राई नहीं लगेंगे। कुछ टिप्स मैं आपको दोबारा फिर से बताऊंगी, जब भी आटा गूंदेंगे बीच में एक फैट जरूर डालेंगे, चाहे तो देसी घी डालिए, चाहे तो फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो। दूसरी बात, अगर आप प्याज लहसुन डालेंगे तो आप उसको बहुत ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, सेम डे ही आपको खाना पड़ेगा। बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे तो वो बिल्कुल आपके अगले दिन तक चल जाएंगे। और तीसरी बात, इसको मीडियम टू लो फ्लेम अगर आप सेकेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल थेपले की तरह। सो फ्रेंड्स जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।